अच्छा मरियम साहिबा आज फैसलाबाद में आ रही हैं, अब्बा जी ने कॉल की थी तो उधर जाना है, तो ट्रैफिक चेक करें, वीडियो में कोलैब करेंगे क्यों? तो फिर आपके साथ बैठते हैं। ओके अस्सलाम वालेकुम जी, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हूँ। आज का व्लॉग शुरू करते हैं। इस टाइम टाइम तकरीबन 12:30 बज चुका है और इस वक्त मुझे बिलाज की आवाज़ें आई हैं, तो मैंने सोचा कि इसको अभी पकड़ते हैं और पूछते हैं कि अभी तक तुम सोए क्यों नहीं हो। इधर ऊपर देखो ना, रात के 12 बज गए, अभी तक सोए क्यों नहीं हैं? सोए क्यों नहीं अभी तक? सोना नहीं, रोजा नहीं रखना? सुबह रोजा रखना? अभी पापा किधर हैं? पापा है नहीं अभी? पापा ऑफिस नहीं, आप पापा फ्रेंड के पास गए। इधर आओ, पापा को चेक करें आज। पापा को चेक करें, करें चलो। वो किसकी गाड़ी आई आज चेक करें? अच्छा, काशिफ भाई को ना एक दोस्त की कॉल आई थी, उसका कोई मैटर था, तो उसने भाई को कहा कि मेरे साथ चलें, तो इस वजह से भाई इस वक्त एमरजेंसी में गए थे। तो ये जो है ना, भाई के जाने की वजह से ये भी सोया हुआ था तो उठ गया, तो ये अभी तक इसलिए जो चोर साहब है ना, ये घूम रहे हैं। वो चेक करो बिलाज, अंधेरा हो गया। पापा को कॉल किया? अच्छा मेरी बात सुनो बिलाज, मूसा किधर है? नहीं, मूसा किधर है? हैं? तो आप क्यों नहीं सोए? इधर देखो ना चाचू की तरफ, आप क्यों नहीं सोए? मैं नहीं सोए। क्यों? तो आप मेरी बात सुनो ना, आपको नींद नहीं आई? नहीं। क्यों हैं? ओते इस टाइम ना ब्लाज जाग रहे हैं, तो मैंने सोचा कि व्लॉग का स्टार्ट जो है ना अभी से स्टार्ट कर लें, क्योंकि काफ़ी दिनों से जो मैं ब्लॉग बना रहा हूँ उनका जो स्टार्ट है वो दिन से हो रहा है, और सैरी टाइम जैसा कि आप लोगों को पता है कि हम सब उठते हैं, तो मैंने सोचा कि आज का जो ब्लॉग है वो सैरी से शुरू करते हैं। अच्छा, इस वक्त 38 मिनट हो गए हैं और रोज़ा बंद होना है 43 मिनट के ऊपर, सिर्फ 5 मिनट रह गए हैं सैरी ख़त्म होने में, और इस वक्त पानी पीना है सिर्फ, बाकी सैरी वगैरह मैंने कर ली है। और दुरूद शरीफ की आप पीछे आवाज़ सुन रहे होंगे, दुरूद शरीफ कर सब पढ़ें और अभी पानी वगैरह पीते हैं। अच्छा, सैरी वगैरह करने के बाद मैं सो गया था, और सोने के बाद कचहरी गया था, कचहरी जाने के बाद अब कचहरी से वापस आ रहा हूँ, तकरीबन 12:30 बज चुके हैं, 12:30-1 बज चुके हैं, और इस वक्त वापस आ रहा हूँ। अब्बा जी ने कॉल की थी कि एक फोतगी हो गई है तांदले वाला में, तो उधर जाना है, तो आ जाओ घर, ट्रैफिक चेक करें, और इधर ना जैम लगा हुआ है, गाड़ियाँ ही गाड़ियाँ लगी हुई हैं, चेक कर, इधर फंसे हुए हैं। आज मरियम नवाज आ रही है फैसलाबाद में, तो उसकी वजह से ना जिस रोड पर भी जाते हैं रश लगा हुआ है। देखो अब कब जाके इधर से निकलते हैं, ट्रैफिक चेक करें। एक असल में ना ये जो लोग गलत चले जाते हैं ना, उनकी वजह से ट्रैफिक रुक जाती है। एक लाइन में इंसान जा रहा हो ना, फिर कभी भी ट्रैफिक नहीं रुकती। जब भी आने वाली जो लाइन है उसमें जाने वाले जाके खड़े हो जाते हैं ना, फिर मसला बनता है। पीछे बहुत ज़्यादा रश था, पीछे से निकला हूँ और अब इस वक्त ये रश में फंसा हुआ मैं, ये चेक करें। चलें देखते हैं कि अब इधर से हम कितनी देर में जा के निकलते हैं। अच्छा, हम निकल आए हैं, अब हमारी तरफ से रश कम है, अब दूसरी साइड पे रश इंतहाई ज़्यादा है। असल में ना स्कूलों को भी इस टाइम छुट्टी हुई है एक दो को, तो उसके अलावा अच्छा इशू ये है कि ना हमारी ये जो रोड जा रहा है ना, इसके ऊपर ना तकरीबन 8 से 9 कॉलोनियाँ बनी हुई हैं, ठीक है जी, और उसके अलावा साथ में एक दो चक भी हैं, तो इनकी वजह से ना रश इधर काफ़ी हो जाता है। एक तो रोड भी सिंगल है, मतलब ना कह लेंगे डबल रोड भी नहीं है, लेकिन सुनने में आता है कि ये रोड ना डबल मंजूर हुआ है,
लेकिन अभी तक कोई इस पर अमल दरामद नहीं हो सका। देखो कब तक होता है ये ट्रैफिक का जो इशू है ना, ये तभी सॉल्व होगा अगर इधर डबल रोड बन जाता है। और दुआ तो है कि अल्लाह करे बन जाए, क्योंकि नवाज शरीफ लोग जब भी आते हैं हुकूमत में ये सड़कें बनाने के अलावा और कोई काम तो करते नहीं हैं। तो अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला इन्हें हिदायत दे और ये जो हमारा रोड है ना इसको डबल कर दें। अच्छा मरियम साहिबा आज फैसलाबाद में आ रही हैं, तो हमारी उनसे रिक्वेस्ट है कि ये जो रोड वाला मैंने मामला आपके साथ डिस्कस किया है, अगर उन तक वीडियो पहुंचती है तो काइंडली इसको हल करवा दें। और इधर ये है कि अगर इसको हल करवाएंगी तो साथ ही है कि आपकी 5-7 ना टिकटॉक्स बन जाएंगी, तो काइंडली इधर भी आएँ, इधर भी आकर ज़रा वीडियो जो है ना वो बनाएँ, और हो सका तो आपके साथ फिर वीडियो में कोलैब करेंगे, क्योंकि आप एक प्रॉपर इन्फ्लुएंसर बनी हुई हैं आजकल। मेरी बात सुनो ना, आप ये फिनिश करो ये, ठीक है, और फिर चाचू ड्रेस चेंज करके आते हैं। तो ड्रेस तो चेंज करने दो चाचू। हाँ चाचू ड्रेस चेंज कर लें तो फिर आपके साथ बैठते हैं। ओके ये क्या है? हाँ जी बलाई साहब कैसे हैं आप? बलाई साहब आप ठीक हो? नजर नहीं आ रहा ऐसे दुदुपिया बलाज ने? ओके मूसा आपने भी दुदुपिया रोटी खाई है? रोटी भी खाई? तो फिर ये क्या खा रहे हो हैं? चलो आप इसको फिनिश करो, चाचू ड्रेस चेंज करो। नहीं फिर क्या? चाचू मेरी बात सुनो ना, मेरी बात, आपकी हंडी खराब है, आपकी हंडी खराब है, चाचू ड्रेस चेंज कर ले, यूनिफॉर्म उतार ले, फिर चाचू आपके साथ बैठते ओके ओके डन। चलो ठीक है भाई, आपने फिनिश कर लिया? ओ सारा खा लिया अबू कर लिया ओते? हाँ जी। अच्छा मूसा साहब अभी आराम से मेरे पास बैठे हुए थे और अभी ड्राइंग रूम में आके नाराज़ हो गए। मूसा साहब आपको क्या हुआ है? हाँ जी इधर ऊपर देखो ना ज़रा, क्या हुआ? नहीं क्या? उधर से आराम से बैठा बैठा ना कोई बात हुई, ना इसको डांटा ना कुछ कहा है, बिला मजा आके नाराज़ हो गया हैं। ऐसे करते हैं बुरी बात है भाई, इसको बताओ, इसको कहो बुरी बात है, ऐसे नाराज नहीं होते। ये टूट गया और ये चॉकलेट खो दे। अभी तो आपने खाई है गुड़ खाया आपने क्या? ये बेटा सबको चाचू देंगे, सबको देंगे वन। अच्छा ये शॉपर पकड़ो ना, थोड़ा थोड़ा सा सबको देंगे। ओके ये सबसे ज़्यादा आप ही को मिलेगी। ओके यम्मी है, चलो भाई की टन, अब भाई की टन, भाई ये लो। चलो जी अब है जी मेरे मूसा की टन। मूसा मूसा तो अच्छा बच्चा है, मूसा अंडी नहीं खाब करता है ना मैं। अच्छा ओते ओते मूसा गुड, फिनिश हो गई, आप ही को सबसे ज़्यादा दी है बेटा, फिनिश होगी अब बस बाकी बाद में। अब थोड़ी देर ठहर जाओ, अभी चाचू ड्रेस चेंज करके आते फिर। नहीं अभी चाचू ड्रेस चेंज करके आते ना। ओके अभी आप वेट करो, बुला नीचे उतरो गिर जाओगे। ओके मैं अभी ड्रेस चेंज करके आ रहा, फिर बैठते हैं ठीक है? ओके मूसा किधर जा रहे हो? चल जोहर का टाइम है तो मस्जिद आया था मैं, और मैंने सोचा कि दुआ कर लूँ आप लोगों के साथ मिलकर फ़लस्तीन के लिए। आप सब भी दुआ करें और मैं भी दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला फ़लस्तीन वालों पर अपना ख़ास करम करे और इसराइल को नेस्तो नबूद करे। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को मेरी आज की ये वीडियो अच्छी लगी होगी, अगर अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करके इस पर एक अच्छा सा कमेंट कर दें और इसको अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दें। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ। अल्लाह हाफिज़।